तो गाइस फाइनली आ चुके हैं एक और नई BGMI की वीडियो के साथ में वापस। तो आप लोगों के मन में देखो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, क्या हमारा पबजी मोबाइल वापस आ रहा है, क्या हम अपनी ये जो BGMI में ID है, क्या अगर पबजी मोबाइल आ जाता है हम उसमें ट्रांसफर कर पाएंगे, हम अपनी ID आ जाती है तो कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, एंड क्या BGMI अनबैन हो जाएगा या फिर BGMI बैन होने के बाद में पबजी मोबाइल वापस आ जाएगा, या फिर कोई नया गेम आएगा जो कि बिल्कुल BGMI जैसा होगा एंड उसके बाद में BGMI अनबैन हो जाएगा। तो सारे सवाल मैं आप लोगों के इसमें क्लियर करूंगा जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं। एंड कुछ यूट्यूबर्स देखो आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आप लोगों को कुछ लिंक्स दे रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में कि आप लोग ये वाला BGMI डाउनलोड कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हो सकता है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के पास में चली जाए एंड कुछ स्कैम भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। तो उन्हीं यूट्यूबर्स पे बिलीव करो यार, देखो जिनके नंबर्स अच्छे हों, जो कि आप लोगों को सपोर्टिव और लगते हों, या फिर जो कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हो। ये नहीं कि यार देखो आप लोगों को पता है रोज वीडियोस आने वाली है BGMI अनबैन, तो कृपया आप लोग उनको सपोर्ट ना करके जो लोग नए गेम पर शिफ्ट करने वाले हैं उन लोगों को सपोर्ट करना। तो बात कर ले गाइस देखो BGMI बैन की, तो बात कर ले देखो ये सिलसिला चालू होता है परसों से, जब हम लोगों को पता चल गया था कि हमारे BGMI जो है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। अब इसके बारे में यहाँ पर कल न्यूज आती है कि सेक्शन 69A के तहत यहाँ पर BGMI को बैन कर दिया गया है एंड उसके साथ में कुछ और एप्स भी बैन कर दिए गए हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर बात यह है कि BGMI अभी टेम्पररी बैन हुआ है। क्राफ्टन के पास में यहाँ पर अभी 14 दिन का समय है जिसमें कि यहाँ पर क्राफ्टन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा BGMI यहाँ पर पबजी मोबाइल से अलग है एंड डिफरेंट है। अगर ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है तो चांसेस है कि BGMI यहाँ पर वापस आने वाला है, अदरवाइज यहाँ पर BGMI यहाँ पर परमानेंटली बैन रहेगा। खैर गाइस यहाँ पर एक न्यूज भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर शिवा मार्वल एंडी है करके इनका नाम है एंड यहाँ पर फाउंडर एंड CEO है स्काई ई स्पोर्ट्स के, जो कि आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी स्टोरी लगाई है कि इन्होंने यहाँ पर सब कुछ सबमिट कर दिया है एंड यहाँ पर ये होप करते हैं बेस्ट के लिए। एंड बाकी देखा जाए तो यहाँ पर जो है काफी कम चांसेस हैं यहाँ पर गेम के वापिस आने के, इन्होंने ये भी लिखा है। तो देखो गाइस मेरे हिसाब से तो गेम के आने के काफी कम चांसेस हैं। कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कि अनबैंड हो चुका है BGMI, गुड न्यूज, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप लोगों को पता है यार BGMI एंड पबजी मोबाइल काफी ज्यादा सेम है, ठीक है। जो भी हमारे BGMI में आता है अपडेट वही पबजी मोबाइल में आता है, जो पबजी मोबाइल में आता है वही BGMI में आता है। आप लोगों को पता है 4th एनिवर्सरी वाला मोड हमारे पबजी मोबाइल में भी आया था एंड उसी को जो है होली धमाका लिख के यहाँ पर वो हमारे BGMI में आ गया था। एंड अभी बात कर ले एंशिएंट मोड की, तो भाई एंशिएंट मोड तो आप लोगों को पता ही है कितना ज्यादा पनौती है, 2020 में जब ये आया था उसके बाद में हमारा गेम बैन हो गया था एंड अभी फिर से आ चुका है तो हमारा गेम यहाँ पर फाइनली बैन हो चुका है। अब देखो गाइस बात कर ले यहाँ पर आप लोग कौन से गेम पर शिफ्ट करना चाहोगे या फिर कौन से नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा या फिर मैं आप लोगों के सजेशन लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले देखो यहाँ पर BGMI बैन किसने करवाया, सबसे पहले ये भी आप लोगों के मन में डाउट्स होंगे कि भाई BGMI बैन किसकी वजह से हुआ है, आखिर वो कौन है, किसके हाथ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रहर यहाँ पर कल के एक ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एक NGO है जिसमें कि यहाँ पर BGMI को रिक्वेस्ट करा गया था BGMI को बैन करा जाए बिकॉज वो यहाँ पर एक सीक्वल है यानी कि दोनों ये जो है पबजी मोबाइल एंड BGMI सिर्फ यहाँ पर दोनों एक ही ऐप है, बट यहाँ पर जो है इनका सिर्फ नाम चेंज करके यहाँ पर BGMI को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था एंड इस वजह से हमारी ये इंडियन सिक्योरिटी की आप लोग कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट पहुंचा रहा है, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है दूसरी कंट्री से एंड हमारे जो सर्वर्स हैं यहाँ पर इंडियन एंड यहाँ पर सिंगापुर में बेस्ड हैं जो कि BGMI के हैं, बट यहाँ पर इन लोगों का लगता है कि कुछ ना कुछ टेंशेंट के भी शेयर्स हैं। एंड मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो दिखा देता हूँ जो कि हमारे प्रहर के यहाँ पर है एंड प्रहर के यहाँ पर NGO के जो मालिक हैं या फिर जो भी ये हैं इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर सुन सकते हो। फरवरी दिस ईयर वी रोट लेटर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वेस्टिंग देम टू बैन BGMI। वी ऑल्सो प्रोवाइडेड देम विद द फैक्ट्स दैट अर्लियर बैंड पबजी and the new avatar BGMI were the same. We are glad that Government of India has recognized the facts and banned BGMI today. We also wrote an open letter to Mr. Ponima, the founder of Tencent Holdings, asking him pointed questions about the antecedents and covert linkages between Tencent Holding and Krafton. Krafton is the face of BGMI in India. But there was no reply. Anyhow, we are thankful and grateful to Government of India for taking this decision of banning BGMI in the interest of national security. We also thank Swadeshi Jagrat Manch for standing by us
एंड सपोर्टिंग द पार्ट। बाकी गाइस यार देखो, आप लोगों ने वीडियो तो देख ली होगी, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाहूंगा कि यार टेंसेंट के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर काफी सारी कंपनीज में भी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ओला है, तो यार उनको बैन क्यों नहीं करा जाता है? उनको भी बैन करना चाहिए यार, क्योंकि आप लोगों को टेंसेंट से ही दिक्कत है, तो उनको भी मेरे ख्याल से बैन कर देना चाहिए। तो देखो मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि यहाँ पर चाइनीज मतलब जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पर शेयर्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो कि हमारे इंडिया में काफी तेज बूम से ग्रो कर रही है। जैसे कि बायजूस में आप लोग देख सकते हो, बायजूस में यहाँ पर 100 मतलब 1 बिलियन का यहाँ पर जो है डॉलर्स का यहाँ पर टेंसेंट का यहाँ पर जो आप लोग कह सकते हो शेयर्स है। डिलीवरी में है, ड्रीम इलेवन पे है, ड्रीम इलेवन तो यहाँ पर न्यूज आ चुकी है, कल यहाँ पर बैन हो चुका है। एंड बाकी यहाँ पर फ्लिपकार्ट की बात कर ले, फ्लिपकार्ट में भी यहाँ पर टेंसेंट की होल्डिंग्स है। हाइक तो आप लोगों को पता है, हाइक मैसेंजर यहाँ पर मतलब खत्म ही हो चुका है, डेड हो चुका है, एंड वो मेरे ख्याल से बंद भी हो चुका है। एंड ओयो की बात कर ले, यहाँ पर स्विगी की बात कर ले, यहाँ पर जोमैटो की बात कर ले, तो मतलब काफी सारे एप्स हैं यार ऐसे जिनमें की टेंसेंट के शेयर्स हैं। तो पता नहीं देखो यार लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। देखो सब कुछ गवर्नमेंट को ही पता है, हम लोग तो यहाँ पर आके बोल रहे हैं, बट जो भी है मेरे ख्याल से हमारी नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से ही है। एंड देखते हैं अगर हमारा बीजीएमआई यहाँ पर प्रूफ कर देता है कि हमारा पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई यहाँ पर डिफरेंट एप्स है, यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो हो सकता है कि हमारा बीजीएमआई इंडिया में वापस आ जाए। अब सबसे बड़ा रूमर यहाँ पर यह फैला हुआ है कि हमारा बीजीएमआई अनबैन हो सकता है। अब वो क्या है, कुछ यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि हमारा बीजीएमआई का दूसरा वर्जन बन के आ सकता है। तो देखो भाई, बीजीएमआई अब यहाँ पर दूसरा चांस है, अगर यहाँ पर बीजीएमआई बैन हो जाता है तो इसके बाद अगर इसका तीसरा वर्जन भी आता है तो मेरे ख्याल से उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पर वो बीजीएमआई का जो दूसरा वर्जन है वो यहाँ पर तीसरे साल में आएगा, यानी कि 1 साल बाद आएगा, एंड वो तीसरी बार आएगा तो हो सकता है वो तीसरी बार भी यहाँ पर बैन हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोगों का ऐप जो है 2 बार बैन हो चुका है। अगर ये परमानेंट बैन हो जाता है एंड उसके बाद में यहाँ पर अगर बीजीएमआई हमारा दोबारा से कुछ नया नाम बदल के आता है, जो कि बिल्कुल गेम फॉर पीस जैसा होगा एंड बिल्कुल ही अलग अगर हमारा गेम बनकर आता है दोबारा से, तो भी कुछ गारंटी नहीं है कि यहाँ पर गेम अनबैन हो जाएगा। तो देखते हैं बाकी। एंड बाकी गाइस यहाँ पर बीजीएमआई की तरफ से एक काफी बड़ी न्यूज भी निकल कर आई थी अभी यहाँ पर काफी देर पहले, जिसमें कि यहाँ पर एक पोस्ट करा गया था बीजीएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर इन लोगों ने एक नोटिस डाला था जो कि यहाँ पर ये कुछ ही देर के बाद में डिलीट हो गया था। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विस डियर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फैंस, एज यू नो दैट बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हैज बीन रिमूव फॉर गूगल प्ले स्टोर एंड एप स्टोर, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू सर्टिफाई द सिचुएशन राइट नाउ एंड वन ऑफ अवर टीम इज ऑल्सो इन टॉक विद, वी हैव ऑलवेज कंपाइल्ड एंड विद एप्लीकेबल डाटा प्रोटेक्शन Always and regulation in India. All users right reserve. We will come soon with positive news. Sorry for the inconvenience. यानी कि गाइस यहाँ पर क्राफ्टन की ऑफिशियली मीटिंग हो चुकी है, बट इसका यहाँ पर बीजीएमआई से क्या लिंक्ड है एंड यहाँ पर ये जो है मेरे ख्याल से ये नोटिस काफी जो है मतलब देर में जो है रिमूव हो गया था, ये कोई भी एडिटिंग नहीं है। आप लोग चाहो तो काफी यूट्यूबर्स की वीडियोस देख सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो क्लासिफाइड वाईटी का इंस्टाग्राम भी जाकर देख सकते हो, उन्होंने भी ये जो है पोस्ट किया, आप लोग कह सकते हो यार डलने के बाद में रिमूव हो गया था। अब देखो ये भी नहीं बताया जा सकता है कि यहाँ पर ये जो है नोटिस है ये रियल है या फिर फेक है, इसके भी देखो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर बीजीएमआई की जो मीटिंग है यानी कि क्राफ्टन की जो मीटिंग है वो यहाँ पर सरकार के साथ हुई चुकी है एंड देखते हैं यार बाकी क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी यार देखो बात कर ले न्यू स्टेट मोबाइल की, तो जी हाँ देखो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर बीजीएमआई बैन की न्यूज सुनने के बाद में यहाँ पर कुछ गेम्स पर शिफ्ट कर चुके हैं। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर बहुत सारे लैंस भी होने थे हमारे इंडिया में, जो कि ESPL है, स्काई स्पोर्ट्स का है जो कि चल रहा है, तो अगर यहाँ पर बीजीएमआई बैन हो जाता है तो वो लैन कौन से गेम पर किए जाएंगे? ऑब्वियसली वो यहाँ पर पबजी के आर में तो करे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पबजी यहाँ पर बैन है, बट पबजी के आर बैन नहीं है तो मेरे ख्याल से पबजी के आर पे तो नहीं करा जाएगा वो टूर्नामेंट। बात ये चल रही है कि वो जितने भी हैं वो यहाँ पर पबजी न्यू स्टेट पर करे जाएंगे। अब अगर आप लोग जितने भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को जानते हैं वो यहाँ पर न्यू स्टेट को स्टार्ट कर चुके हैं, गॉडलाइक की बात छोड़ दो, गॉडलाइक यहाँ पर जो है अभी इंटरनेशनल में जाने वाली है खेलने के लिए। जितने भी अगर आप सोल के प्लेयर्स देखो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह, जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर न्यू स्टेट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो हमारा बीजीएमआई से लेकर यहाँ पर न्यू स्टेट ही है। एंड अगर आप लोग बहुत सारे कास्टर्स को जानते हो हमारी कम्युनिटी में, 8bitthug ने भी यहाँ पर कल स्टोरी डाली थी कि हम जो है न्यू स्टेट खेलना चाहिए, होप यहाँ पर करते हैं कि यार बीजीएमआई वापस आता है या फिर नहीं आता है। तो रही बात देखो गाइस,
मैं तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन से गेम पर शिफ्ट होने वाले हो, या फिर अगर आप लोग कोई भी गेम पर शिफ्ट हो रहे हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। पबजी की यार तो मेरे ख्याल से गाइज अभी हाल ही में बैन मतलब हो सकता है, अगर गवर्नमेंट को एक बार उसको पता चल जाता है कि ये जो है पबजी मोबाइल का सीक्वल है या फिर इसको लोग खेल पा रहे हैं, तो हो सकता है कि पबजी के आर कभी एक्सेस बंद हो जाए। बाकी आप लोग उसको वीपीएन लाकर खेल सकते हो पबजी के आर को, एंड ग्लोबल भी आप लोग एंड्रॉइड में खेल सकते हो वीपीएन लाकर, एंड आईओएस में भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बट गाइज उसमें सही बताऊं तो यार वो फील नहीं आएगी खेलने की, क्योंकि आप लोग को पता है बीजीएमआई में हमारी जो है ओरिजिनल आईडी है, एंड यार वो आईडी तो हम उसमें ऑब्वियसली ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड देखा जाए तो मतलब यार हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारी इमोशंस के साथ में क्या ही खेल रही है गवर्नमेंट। एंड ये सही बात भी है गाइज, देखो नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो देखो गेम का बैन होना सही है या नहीं गलत है मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। बाकी गाइज देखो मैं वही कहना चाहूंगा, देखो जो भी फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हो आप लोग, कोई भी मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह आपके पास में आ रहा है कि बीजीएमआई अनबैन हो चुका है, या फिर अगर आप लोगों के पास में कुछ ऐसी वीडियोज आती हैं जो कि मतलब ये टाइटल रखती हैं एंड कहती हैं कि यहाँ पर मतलब अपने वीडियो में स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा जो है बीजीएमआई अनबैन होने वाला है एंड ये गुड न्यूज है ये वो है, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी बिलीव मत करना। जो भी कुछ है यहाँ पर क्राफ्टन के हाथ में, मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, सारे प्रूफ सबमिट कर दिए गए हैं, अभी 14 दिन का टाइम है, उसके बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा कि बीजीएमआई यहाँ पर टेम्पररी बैन है या फिर परमानेंट बैन है। अभी तक सर्वर्स रन कर रहे हैं, आप लोग मजे से बीजीएमआई खेल सकते हो बिना किसी टेंशन के, आप लोग अपनी 50 आरपी कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास में यूसी है तो आप लोग खर्च करना चाहो तो खर्च कर सकते हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर नई यूसी नहीं ले सकते हो। एंड आप लोगों को पता है जितने भी यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्स का यहाँ पर कोलैबोरेशन था बीजीएमआई के साथ में, जैसे कि लोको या फिर कोटा शॉप वगैरह, उनका यहाँ पर इन गेम परचेज भी बंद कर दिया है कोटा शॉप ने, बीजीएमआई यहाँ पर हट चुका है कोटा शॉप से, ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बाकी गाइस होप करते हैं बेस्ट क्या होगा देखते हैं, एंड तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ में, देखते हैं गाइस क्या होता है। बाकी आप लोग कौन से गेम पर शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप लोगों को कौन से गेम की वीडियो चाहिए ये जरूर से कमेंट करना। तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, बाय बाय।